मैं हूँ अभी श्रोत्र, आप देख रहे हैं जिला टेक्निकल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग को मैं यहाँ पे बता जा रहा हूँ कि जो यूपीआई की जो पेमेंट मेथड है, यूपीआई पेमेंट मेथड में आप लोग 20,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं दे सकते किसी को भी, और नहीं ले सकते भी किसी से। और यूपीआई का पेमेंट मेथड्स बहुत ही ईजी होता है, बट बहुत ज़्यादा केसेस में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 10 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन यूपीआई में नहीं हो सकती। और बहुत बड़ा अमाउंट जैसे 50,000, 60,000, 80,000 इस तरह की जो पेमेंट होती है यूपीआई में संभव नहीं है। कोई फिल्म में बोलता है, कोई कॉमेडी करके बोलता है, और कैसे कैसे लोग कैसे बोलते हैं कि इतना ज़्यादा पेमेंट फोन पे मैं दे दूंगी, या गूगल पे पे मैं 1,00,000 तुझे दे दूंगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 20,000 से ज़्यादा यूपीआई में नहीं दिया जा सकता, फिर लिया भी नहीं जा सकता। किसी को रिक्वेस्ट भेजेंगे वो नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट भी भेज नहीं सकते। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि नेट बैंकिंग यूज करने के लिए मैं अभी इस वीडियो में नेट बैंकिंग बोल मोबाइल नेट बैंकिंग के बारे में बोलने वाला हूँ। बोल मोबाइल नाम का एक एप्लीकेशन है जो कि ऑफिशियली बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसमें आप लोग आपकी बैंक की नेट बैंकिंग कर सकते हैं। बोल में जो अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया पे जो अकाउंट है, उसको नेट बैंकिंग कर सकते हैं। और उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे प्रोसेस में यूज करना है, सारी बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारी बात आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं वो स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे क्या यूज किया जाता है। लेट्स गो। मोबाइल स्क्रीन है मेरी, यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाना है। देखिए, मैं प्ले स्टोर पॉइंट आउट किया, प्ले स्टोर पे अभी जाना है। प्ले स्टोर पे हम लोग घुस गए हैं, और प्ले स्टोर का इंटरफेस ऐसा ही होता है, सभी को पता है। इसके बाद यहाँ पे सर्च करना है BOI मोबाइल सर्च करना है। BOI मोबाइल नीचे भी आ गई। BOI मोबाइल लिखने के बाद वहाँ पर चले जाना है। BOI मोबाइल MOBILE मोबाइल लिखना है इस तरह। उसके बाद देखिए सही इंटरफेस आता है, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है हमको। और बोल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल की तरफ से इसको पब्लिश किया गया है, यानी रिलीज किया गया है इस एप्लीकेशन को, और इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। कुछ टाइम लगेगा इंस्टॉल होने के लिए, और 0% से शुरू हुआ, 16%, 25%, 33%, 38% इंस्टॉलेशन हुआ, इंस्टॉलिंग होना शुरू हुआ। BOI मोबाइल यहाँ पे ओपन करना है, ऑन इंस्टॉल ओपन का ऑप्शन है, मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ऐसा ही इंटरफेस आएगा, फास्ट इंटरफेस ऐसा ही होगा, क्योंकि लोडिंग का प्रॉब्लम होता है, ऐसा लोडिंग का प्रॉब्लम होता है सभी टाइम पे, ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। कुछ टाइम लोडिंग होगा, उसके बाद ऐसा ही इंटरफेस आएगा। ये फास्ट इंटरफेस है, लाइफ इज इजी एंड क्विक। नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना है, नेक्स्ट स्किप या और नेक्स्ट करके जाना है, जो भी चाहे कर सकते हैं। अलाउ जो भी आएगा, मांगेगा जो भी मांगेगा, रिक्वेस्ट दे देना है। SMS मैसेज अलाउ कर लेना है, मैनेज फ़ोन कॉल्स अलाउ कर लेना है। फ़ोन कॉल इसलिए लेता है क्योंकि आप किसी को भेजना है या कुछ बैंकिंग रिलेटेड के लिए फ़ोन कॉल। देखिए SMS, यहाँ पे सिम सिलेक्ट करना है। सिम सिलेक्ट करने के बाद आपकी जो सिम है उससे एक मैसेज जाएगा बैंक को। मेरी सिम एयरटेल है, एयरटेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोन कॉल की भी ले लेता है, कुछ कुछ टाइम पे कॉल भी चला जाता है बैंक को, इसलिए सिम को सिलेक्ट करके सेंडिंग मैसेज देखो लिख रहा है, सेंडिंग मैसेज। मेरी एयरटेल से कुछ रुपया कट हुआ, जियो सिम पे बैंक होता तो कुछ भी कट नहीं होता, क्योंकि जियो में 100 SMS होता है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है, रिट्राई पे नहीं क्लिक करना है, प्रोसीड पे ही क्लिक करना है। मैं प्रोसीड पे ही क्लिक कर लेता हूँ।
देखिए यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यूज़र आईडी डाल लेना है, चेकअबिलिटी पे क्लिक कर लेना है। यूज़र आईडी चेकअबिलिटी पे क्लिक करने का मतलब है यूज़र आईडी जो आप डालेंगे वो मौजूद है या नहीं जानने के लिए चेकअबिलिटी पे क्लिक करना है। मैं डालता हूँ 20 साल, उसके बाद मैं चेकअबिलिटी पे क्लिक कर लूँगी। देखिए मैं यहाँ पे चेकअबिलिटी पर क्लिक करता हूँ। चेकअबिलिटी पर क्लिक करने के बाद देखो, देखिए मुझे दिखाया कौन सा यूज़र आईडी अवेलेबल है। विशाल नाम का यूज़र आईडी अवेलेबल नहीं है, इसलिए दूसरा यूज़र आईडी मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है, Vishal6720Vishal92 ऐसा कुछ दिया जा रहा है, इसलिए मैं दूसरा यूज़र आईडी सिलेक्ट करता हूँ, विशाल बड़ा लेटर पे। उसके बाद 305 मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं चेकअबिलिटी पे क्लिक करने के बाद हो गई, क्योंकि जो यूज़र आईडी मैंने डाला वो यूज़र आईडी मौजूद था। उसके बाद एंटर पिन, पिन में कैसे डालना है क्या डालना है नीचे सारी कुछ लिखा गया है। जैसा जैसा लिखा है आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आता होगा, आप पढ़ के समझ कर डाल सकते हैं, लॉगिन पिन डाल सकते हैं। लॉगिन पिन मैं यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे चेक करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। लॉगिन पे दोनों बॉक्स में लॉगिन पिन सेम डालना है और सही तरीके से डालना है, जिस टाइप का लॉगिन पिन बोला गया है उस टाइप का लॉगिन पिन डालना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कस्टमर आईडी सिलेक्ट करना है। कस्टमर आईडी सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस है इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि एक बैंक पे ज़्यादातर लोगों की 2 से 3 अकाउंट होती है और 203 कस्टमर आईडी होती है। एक नंबर पे दोनों की जो अकाउंट नंबर है एक ही मोबाइल नंबर पे एग्जिस्ट होती है, एक ही मोबाइल नंबर पे लिंक होती है, इसलिए दो दो कस्टमर आईडी शो करता है, दो दो अकाउंट नंबर शो करता है। देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने के लिए बोला, अकाउंट नंबर सिलेक्ट करता हूँ, आप लोग के सामने मैंने सिलेक्ट किया। देखिए मुझे एक ही शो किया क्योंकि मेरी एक ही अकाउंट है और एक ही कस्टमर आईडी है, क्योंकि मैंने एक अकाउंट पे एक ही मोबाइल नंबर ऐड किया है, दूसरा अकाउंट पे दूसरा मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है। उसके बाद प्रोसीड नाम पे क्लिक कर लेना है, नॉट नाम पे नहीं क्लिक करना है, प्रोसीड नाम पे क्लिक करना है। बैंक की तरफ से ऐसा ही कुछ आएगा इंटरफेस, डियर कस्टमर ऐसा ही कुछ आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का डिटेल देना है, एटीएम पिन जो डालना है वो एटीएम पिन आप बैंक जो एटीएम से जो मनी विड्रॉल करने के टाइम जो एटीएम पिन डालते हैं वही एटीएम पिन डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है, डेबिट कार्ड डालना है, सारी कुछ यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल डाल लेना है, OTP वगैरह वगैरह डाल लेना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। OTP हैज बीन सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड ऐसा बात है क्यों ऐसा चीज़ है जिस इसको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे आप लोग यहाँ पे सारी की सारी ट्रांजैक्शन इस ट्रांजैक्शन पासवर्ड पे ही होगा। हेलो, ट्रांजैक्शन पासवर्ड कैसा होगा क्या होगा सारी बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आता होगा मुझे पता है, आप देख के ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लेना। ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने के बाद सारी टिक चिन्ह टिक हो जाएगा, सारी की सारी टिक हो जाएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने कर लेना है, सबमिट पे ही क्लिक करना और कुछ पे नहीं, बैक कैंसिल कुछ पे नहीं, सबमिट पे ही क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए सबमिट पे क्लिक कर लेना है, सबमिट पे क्लिक हुआ, लॉगिन टू एम बैंकिंग का ऑप्शन आएगा ऐसा कुछ, आप लॉगिन टू एम बैंकिंग ऑप्शन पे आइए। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी आपको पता है, यूज़र आईडी आप लोगों ने खुद चॉइस किया है, लॉगिन पिन आप लोग ने खुद बनाया है,
यूज़र आईडी नीचे लॉगिन पिन डाल लेना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, फेल हो जाएगा तो आपकी एक चांस मिस हुआ, थ्री चांस मिस हुआ, तो 24 आवर के बाद आपको चांसेस मिलेगा। ऊपर यूज़र आईडी सही डालना, नीचे लॉगिन पासवर्ड सही डालना, लॉगिन पिन पासवर्ड एंड लॉगिन पिन सही डालना, उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। क्योंकि जो इंटरफेस है बोल का ऑफिशियल इंटरफेस है, बोल का ऑफिशियल साइड है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आपका अकाउंट का डिटेल जान सकता है माई अकाउंट सेक्शन पे। देखिए मेरा अकाउंट नंबर शो होता था, मैं ब्लोर किया हुआ है। और एम पासबुक का डिटेल, फंड ट्रांसफ़र का हो सकता है, बिल पे हो सकती है, IMPS 24 आवर, IMPS पे एक ट्रांजेक्शन करने की मेथड है, बेनिफिशरी मैनेजमेंट, आपकी जो बेनिफिशरी है उसका मैनेजमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम, आपके जो गवर्नमेंट स्कीम है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। कितना डिपॉजिट हुआ डिपॉजिट सेक्शन पे पता चल जाएगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कितना लेन देन हुआ वो सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी पता चल जाएगा। ऐसा ही बहुत कुछ फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल जाता है। इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारा वीडियो सभी के पास पहुँचा देना। और कुछ नहीं है, जय हिंद जय जगन्नाथ।